छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने रेप के आरोपी कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल पर एक महिला ने बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। जांच में कांस्टेबल दोषी पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छतरपुर जिले में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल संजय तिवारी पर एक युवती ने आरोप लगाया था कि संजय ने बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया और उसकी इस हरकत में उसके परिवार ने उसका साथ दिया। युवती की शिकायत पर एक्शन लेते हुए एसपी अमित सांगी ने संजय सहित तो उसके परिजनों के 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी की जांच में संजय पर लगे सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसपी ने संजय को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। संजय तिवारी राजनगर में पदस्थ थे। इनके खिलाफ फरवरी माह में महिला थाना में 376 की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और पुनः उसी थाने में एक एफआईआर 10/23 अप्रैल माह में हुई और दोनों गंभीर अपराध थे। वर्तमान में ये जुडिशल रिमांड में है। इसकी सीएसपी द्वारा जांच की गई थी और सीएसपी ने जांच में नैतिक अधोपतन और गंभीर कदाचरण का दोषी पाया था। तो इस जांच के आधार पर एसपी सर द्वारा आर्टिकल 311 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके तहत उसे सेवा से परिचित किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।